हाँ नोरा अपनी आइसक्रीम दिखाओ। मम्मा की ब्लैक करंट और नोरा वो पापा की मैंगो। गुड मॉर्निंग। तो फाइनली हम लोग हल्द्वानी से निकल गए हैं। नानी को बाय बाय, दादी को बाय बाय, सबको बाय बाय करके अब हम वापस बैंगलोर जा रहे हैं। पर उससे पहले हम लोग आगरा का ताजमहल देखने के लिए जा रहे हैं। तो आज हमारा टूर है हल्द्वानी टू आगरा। आज हम होप सो हम लोग मॉर्निंग 7 o'clock निकले हैं और हम उम्मीद करते हैं कि 3-4 बजे तक हम लोग आगरा पहुँच जाए। अभी हम बरेली पहुँचे हुए हैं तो इन्होंने टी ब्रेक लिया है। बदायूं के एक रेस्टोरेंट में रुके हैं, रॉयल स्पाइस, और काफ़ी बड़ा सा रेस्टोरेंट है। और हमने सैंडविच ऑर्डर करा है। नोरे बहुत ज़्यादा वेट कर रहा है, पता नहीं खाएगा नहीं खाएगा लेकिन वेट कर रहा है। मेरा जूस और नोरू का सैंडविच। और इसको बहुत नींद आ रही है और आज ये सनग्लासेस लगाकर सोने वाला है। तो कहाँ पहुँचे हम लोग? हम बदायूं क्रॉस किए हैं। बदायूं क्रॉस तो कर चुके थे, थोड़ा डिफिकल्ट है टू राइड अ कार विद बाइक वाला, बट ठीक है। थोड़ी देर में आगरा, तीन घंटे और 150 किलोमीटर्स। रोड अच्छी है, यूपी में सड़कें अच्छी हैं, कहीं कहीं पे थोड़ी बहुत ख़राब है बट मोर ओवर ठीक है। बट गूगल इज़ नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि अगर बीच में कहीं कोई क्लोजर है तो इतनी सड़कें हैं बहुत, कैसे आइडेंटिफाई होगी? गूगल भी हार मान जा रहा। गूगल वॉज नॉट एबल टू गाइड मी प्रॉपरली व्हेन जब मैं कट हुआ बरेली टू टूवर्ड्स आगरा। तो पर हाँ, ये सारी हिस्टोरिकल पुरानी शहर हैं, सारे शहर ऐसे हैं जो हम किताबों से पढ़ते हुए आ रहे हैं। Reaching these places, it's like nostalgia. Nostalgia. देखते हैं। अभी हम लोग को 3 घंटे और लगेंगे, then we will be in Agra. आगरा में थोड़ा काम है, काम ख़त्म करेंगे दो कुछ, और उसके बाद थोड़ा सा आगरा दर्शन, then we will be back to Bangalore. So आगरा 2 दिन का stay है हमारा, वो स्टे कंप्लीट करके देन वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स मध्य प्रदेश, सियोनी टू हैदराबाद, हैदराबाद टू बैंगलोर। बहुत खूबसूरत, कम पानी है लेकिन गंगा तो गंगा है। ये गंगा घाट है। आई लव आगरा। फाइनली हम लोग आगरा पहुंच गए हैं और हमारे होटल अभी 10 किलोमीटर है, जल्दी हम वहाँ पहुँच जाएंगे। थोड़ा सा लेट हो गए, 2:30 का टारगेट था और 3:30 ऑलमोस्ट हो चुका है। बरेली ने थोड़ा हमें निराश किया और थोड़ा सा गूगल ने भी निराश कर दिया। हाँ। वो बिल्कुल फ्लाईओवर नहीं बताता है तो वहाँ से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं किधर जाना है करके। सो आगरा पहुंच के अच्छा अच्छा सा लग रहा है। हेरिटेज सिटी है, सारे शहर इसके ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज प्रोटेक्टेड बाय ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बहुत थकने के बाद हम होटल पहुंच गए हैं। नोरा नहा चुका है, उसकी खाला ने मखाने फ्राई करके दिए थे, वो खा रहा है और उसको भी थोड़ा बेटर फील हो रहा है। रूम अच्छा है, काफ़ी स्पेशियस है। और हाँ बेटा खा लो मखाना। और वॉशरूम वगैरह भी एकदम क्लीन है। तो बस थोड़ा फ्रेश होंगे और उसके बाद हम लोग थोड़ा घूमने निकलेंगे। बाहर से मैं नहीं ले पाई, कोई इवेंट हो रहा था। तो होटल का नाम है सुरेशना रिकल वेस्ता। सर्विस वगैरह भी अच्छी है, वेलकम ड्रिंक भी मिली है हमें फर्स्ट टाइम इतना सारा जर्नी के बाद। तो ओवरऑल अभी तक तो अच्छा लग रहा है। बस फ्रेश होकर कुछ थोड़ा बहुत खा पी कर फिर देखते हैं आगरा की ब्यूटी। G20 समिट और उस समय से बना हुआ है ये, खूबसूरत है आगरा तो शहर, खूबसूरत है। पूरे बंदर ही बंदर बैठे हुए हैं। अरे वाह, देखो रोड देखो इधर। ओह माय गॉड, ये सेफ है? इतने सारे बंदर आगरा शहर के अंदर। दोनों साइड भरे हुए हैं ये।
और पेड़ों के ऊपर भी है सब, देखो कितने सारे मंकीज, माय गुडनेस। ये कोई गार्डन है और उसके बाहर है। कितने सारे मंकी बेटा, बेबी मंकी भी है यहाँ पर। ओहो, और यहाँ लोग भी बैठे हुए हैं, सही, कोई डर नहीं। ठीक है भैया, फिर आते हैं हम लोग। आगरा चौपाटी जोनल पार्क, आगरा विकास प्राधिकरण। चलो पार्टी। फिर से बोलो। हाय नोरू। Thank you.